हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेन। और आज मैं आप लोगों को IBPS PO 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो IBPS की अगर हम इवेंट की बात करें तो इनका जो इवेंट IBPS PO का नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो 1 अगस्त को हुआ था, और PO प्रीलिम्स की जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी वो आपकी 15, 16 and 22 अक्टूबर में होंगी। और अगर अप्लाई की बात करते हैं हम लोग, तो अप्लाई का जो डेट है आपका 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का इनका डेट है। और मेंस के अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो 26 नवंबर 2022 में, यानी कि नवंबर तक आपका मेंस हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर IBPS PO के अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें हैं। फोटोग्राफ जो है वो आपका डायमेंशन 200x3 230 पिक्सल प्रीफर्ड, यानी कि अगर फाइनली साइज की बात करें तो 20x50 KB का। सिग्नेचर की बात करें तो ये आपका 10x20 KB। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, जी हाँ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो कि A4 शीट पे, यानी कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और लेफ्ट थंब ब्लू इंक से अगर आप करते हैं तो आपका 20x50 KB का होना चाहिए। और डिक्लेरेशन जो है वो इंग्लिश में, डिक्लेरेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिक्लेरेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन का जो फाइल साइज होगा वो होगा आपका 50 और 100 KB के इन बिटवीन। अब बात करते हैं कि IBPS के फॉर्म जो हमारे फिल होने हैं वो फॉर्म हम कैसे फिल करें। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं IBPS की साइट पे। आपको एंटर करना होगा www.ibps.in। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल चल रहा है या फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे CRP POMT गिवन है। यहाँ पे तो CRP POMT पे जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आएगा। तो उससे पहले क्या आएगा, ये आएगा आपका कि अप्लाई, और आपको देखना है यहाँ पे 2 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है। जब हमने उसे क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जैसे आप अगर न्यूली रजिस्टर्ड यहाँ पे कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, ठीक है। तो बट अपन क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये सारा डिटेल है आपका, फर्स्ट नेम और कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो मिडल नेम। अब जैसे किसी का नाम है राम प्रसाद शर्मा तो राम जो है वो फर्स्ट में, मिडल में प्रसाद और थर्ड में शर्मा आ जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है और वेरीफाई करके वो आपको देना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर 2 times, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। अब किसी का नाम है रवि सिंह तो रवि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सिंह। और इसके बाद नीचे आपका ईमेल आईडी वो भी कंफर्म करना है। इसके बाद आप यहाँ पे कोड चूज करेंगे जो भी आपके पास ये कोड गिवन है। तो जब यहाँ पे जब ये फॉर्म हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट पेज जब हमारा फिल हो जाएगा तो फर्स्ट पेज के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपके पता आएगा फर्स्ट पेज के बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है आपको। अब देखिए मैंने फर्स्ट पेज फुल नहीं किया है, फिल नहीं किया है पूरा, तो यहाँ पे देखिए बेसिक में रेड आ रहा है। अगर वो प्रॉपर फिल हो जाता तो वो ग्रीन हो जाता। तो मैंने डेटा टू एंटर ही नहीं किया, मैं तो बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैटेगरी आप जो भी डालेंगे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जो भी आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि मतलब आपसे जो डॉक्यूमेंट अगर लिया जाए या फिर आप उस कैटेगरी के अंडर में आ रहे हैं तो ही फिल करेंगे। इसके बाद आपके पास अगर मतलब आप एबल डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो 40% से अबव है तो आप यहाँ पे यस में टिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो में टिक कर सकते हैं। इसके बाद सब कुछ ही अपने मतलब का चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप यस करेंगे ये तो ही ये सारा डेटा फिल करने के लिए आएगा। तो मैंने नो कर दिया, मैं नो हूँ तो नो कर दिया। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे तो अब क्या आ रहा है कि अब यहाँ पे हमारे पास आगे है आपके पास कि सब कुछ आपका नॉर्मली गिवन है कि आपको कंपलसरी है क्या, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यस है तो यस, नो है तो नो। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे जब हम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आर यू अ चाइल्ड और फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डेड इन 1984। तो 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें अगर आप मतलब आपके फैमिली से कोई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की डिटेल अगर आप यस फिल करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आपके पास क्या कि रिलीजन जो है वो कैटेगरी, मतलब रिलीजन की कैटेगरी क्या है आपकी, तो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख और बहुत सारी है, यहाँ पे अदर्स भी है तो आप अदर्स भी फिल कर सकते हैं अगर इनमें से कोई नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पे आप दिया गया है कि आर यू फ्रॉम बिलोंग माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी से अगर आप हैं तो माइनॉरिटी में यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद यहाँ पे गिवन है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में वर्किंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने पहले कभी IBPS में अपीयर की है, अगर यस तो यस करिए, और कौन सा वाला IBPS आपने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और यस के साथ वो चूज कर सकते हैं,
ये मल्टी चूज है ना, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे आपको चूज करने को मिलेंगे। अब नेशनलशिप, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप क्या होगा आपका, है ना, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन फील करेंगे, नहीं तो फॉरेन से हैं तो अदर्स का भी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी स्टेट, तो आप अपने स्टेट को अपने अकॉर्डिंग स्टेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और मेन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेन्स आप कहाँ पे देना चाहेंगे। इसके बाद आपके पास गिवन है आईडी प्रूफ, फिर डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है मेल फीमेल, आधार कार्ड नंबर है, ये ध्यान देना है हमें, ध्यान से फिल करना है, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्विंस हैं तो यस, ट्विंस नहीं है तो नो, यस करेंगे तो डिटेल फिल करने के लिए आएगा, ट्विंस का जो जेंडर है वो क्या है, नेम क्या है, नो करेंगे तो कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, है ना, जो भी है आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, और एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम अपना एड्रेस दोनों सेम रखने का, कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या जीएसटी इनवॉइस का है, और इसके बाद टोटल अमाउंट 850 रुपीज है। अब जब आप इसको ओके करेंगे तो इसको ओके करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये लिए चलते हैं। इसको ओके करने के बाद हमारे पास मिलेगा यहाँ पे देखिए प्रीव्यू करने के लिए, तो प्रीव्यू आप कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे होना चाहिए। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन सिक्योरिटी को डाल के यहाँ पे, और आप ओके करेंगे यहाँ पे सेवन नेक्स्ट करेंगे तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं इजीली, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, गूगल पे, फोन पे के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक लास्ट में एक पेज डाउनलोड होगा, वो पेज आपको फाइनली क्या करना है, वो पेज आपको फाइनली रखना है, प्रिंट आउट लेके अपने मेल पे सेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन इन आर्किंग, ऑल द बेस्ट।